और अच्छे से वो सीरियल किलर और अच्छे से जिसकी चर्चा पूरा शहर कर रहा है। तुम थक गए हो तो बैठ जाओ। वो क्रिमिनल जिसे पुलिस ढूंढ रही है, वो शिल्पा है। नीचे नीचे और नीचे मोर, नीचे नीचे नीचे, ऐसे 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 ऐसे, नीचे नीचे, बढ़िया। ए तुम बीच से बाहर चले गए, फिर से करो। क्या बात, ये बहुत अच्छा। अब हाथ ऊपर करो, ऊपर हाथ ऊपर। शिल्पा, मुझे लगता है कि तुम टेंशन में हो, अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, कोई बात नहीं। अरे इसे सबके सामने शर्मिंदा मत करो, बुरा लगेगा इसे। मुझे शर्म नहीं आती, ये सब पसंद नहीं। ओके, सब ठीक है, हम फिर से शुरू करते हैं। स्माइल करने की कोशिश करो, चालू हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, फिर से। क्या बात। शुक्रिया बॉस, आप बहुत अच्छी हो, आप हम लोगों के लिए इतना कुछ करती हो। कोई बात नहीं, मुझे ये सब करना बहुत पसंद है। झुक जाओ स्माइल करो। गुड, बहुत अच्छा, कमाल है, क्या बात। क्या तुमने वो किया? मैंने क्या किया? ठीक है, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम दोनों बहुत करीब आ रहे हो। क्यों, ऐसा गलत है क्या? हाँ, इसके अलावा तुम कर ही क्या सकते हो। तो तुमने कुछ किया कि नहीं? अरे चुप कर। कुछ तो किया होगा, हाथ के इशारे से बताओ। तू अपना डांस कर, समझा? सुनो शिल्पा, मैं चाहता हूं कि अब हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। मैं नहीं चाहता कि लोग ये समझें कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। हम सिर्फ कलीग्स हैं। वैसे काम का क्या हुआ? मैंने लोकेशन ढूंढ ली है। कहाँ है? तुम्हें बाद में वहां ले जाऊंगा। जल्दी भी क्या थी? हाँ, ये तुम क्या ले आई हो? तुम बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे, इसे पकड़ो और शांत हो जाओ। शांत रहना मुश्किल है। नमस्ते जी। नमस्ते। इसको छोड़ने अच्छा, आई थी। ठीक है। यहाँ पर कोई वैम्पायर नहीं दिखा? जब तुमने वो खून चखा था तो तुम्हें एक स्कूल का नाम दिखाई दिया था, है ना? मुझे लगता है कि यही सही जगह है, लेकिन तुम्हें जो बच्चा दिखाई दिया था, मुझे ये नहीं पता कि वो वैम्पायर है या फिर इंसान है, जैसा कि सोफिया थी।
उधर देखो। नमस्ते सर। नमस्ते, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा किया? किया है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट? मैथमेटिक्स। वो वैम्पायर कैसे हो सकता है? वो तो एक नॉर्मल सा बच्चा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। सुनो बच्चों, चलिए अब टाइम हो गया, सब क्लास में चलें। चलिए सब उठ जाइए। चलो बेटा आप भी चलो। ओके प्लीज। अब मुझे इसको लेके जाना होगा। उस बच्चे को सच में मारना है? कितना सोचते हो तुम? देखने में तो ये बच्चा ही लग रहा है मुझे, तो बच्चा ही होगा ना? मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूं, क्या तुम बच्चे दिखते हो? अब ये बताओ तुम्हारी असली उम्र क्या है? इंसान वाली 27 और वैम्पायर वाली 46, दोनों मिलाकर 73। ये भी ऐसा ही है, ये दिखता जरूर बच्चों जैसा है लेकिन अंदर से कुछ और है। सिर्फ बड़े लोग ही ऐसी घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान से देखो, चलो बच्चों अपनी बुक्स खोलो, मेरे साथ बोलो एप्पल। एप्पल मतलब एप्पल। एप्पल देखो, मुझे लगता है कि अगर ये सच में एक वैम्पायर है तो ये सारे बच्चों से ज्यादा होशियार होगा, तो एक्स्ट्रा क्लास क्यों कर रहा है? यस सर। एप्पल लगता है कि ये नॉर्मल बच्चा होने की एक्टिंग कर रहा है। एप्पल एप्पल लेकिन किस लिए? वो अपडेट हो रहा है। अपडेट? सोचो कि अगर तुम बच्चे हो तो बच्चों जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, खाना सोना और बच्चों जैसा खेलना। एक मॉडर्न बच्चा बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी ये तुम सोच सकते हो। रोज ऐसा करना मुश्किल होता होगा। हमें इसे ठीक करना होगा अगर मुझे जिंदा रहना है तो। लेकिन चिंता मत करो, वो वैसे भी मरने वाला है और सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तुम हमेशा मेरा मूड खराब कर देती हो। मारना मारना और सिर्फ मारना, इसके अलावा भी बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं। हम उसे यहीं मारेंगे। अगर कभी मारने के अलावा कुछ बोल पाओ तो अच्छा रहेगा। सैलरी कट करवा दूंगा। हेलो हेलो, क्या मैं खेल सकता हूं? चलो जाओ यहां से। बताओ ना कैसे खेलते हैं। कहाँ ना जाओ। ए, सिखाओ ना मुझे। मैंने कहा नहीं। अच्छा सुनो बच्चों, अभी यहाँ से जाओ। अभी नहीं, इसने मुझे परेशान किया है। पूछो इससे।
यहाँ पर नए हो क्या? मुश्किल में पड़ जाओगे तुम। अगर मुश्किल होगा तो मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। जिसने तुम्हें वैम्पायर का खून दिया था वो मर चुका है। क्या? ए, क्या तुम अच्छी जिंदगी चाहते हो? हाँ ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा? वैम्पायर बनना होगा, मंजूर है? सुनो, फोकस करो। ठीक है। अगर शिल्पा ने उसका खून दिया होगा तो तुम शिल्पा के अगले शिकार होगे। शिल्पा का इससे क्या लेना देना है? शिल्पा उस रानी की बहन है। उसकी बहन गायब हो गई है और ये बात वो जानती है। तो क्या हुआ? मुझे पता नहीं कि वो कहाँ पर है। जानते हो, इससे उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन तुम्हारा खून उसे ये बात जरूर बता देगा कि रानी के साथ गलत किसने किया और कौन सी लैब में। बहुत डर गया मैं, आने दो, उसे मार दूंगा। मैं तुम्हें सिर्फ वार्न कर रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे वैम्पायर में आखिर कितना दम है। चलो बाद में मिलते हैं। यकीन नहीं होगा कि मुझे क्या मिला। जरा इस बच्चे को देखो, ये वाला। ये तो वैम्पायर है। पहले मुझे यकीन नहीं था पर अब मैं पक्का कह सकता हूं कि ये वही बच्चा है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जितने साल वैम्पायर जीता है उतना ताकतवर बनता है, और ये बहुत संभल कर जी रहा है अपने आप को अपडेट करते हुए। मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल काम होगा। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो सकते हो। गुड नाइट। रुको, क्या कहा तुमने?
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतना अच्छा भी बोल सकती हो। मैं ऑफिस वाली औरतों को कॉपी कर रही हूँ। ठीक है, दरअसल तुम्हें वहां ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए ताकि तुम वैम्पायर्स को मारने के अलावा किसी और चीज में अच्छी हो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मैंने उसे गुड नाइट कहा, उसके लिए इतना ही अच्छा है। मेरा नाम करण है। सभी पेरेंट्स के लिए एक खबर है, वो खबर इस बच्चे के गायब होने की है और सारे विटनेस यही कहते हैं। इस बच्चे को आखिरी बार स्कूल में देखा गया था जब वो बच्चा अपनी एक्स्ट्रा क्लास ले रहा था। मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता मिसिंग केस का इस केस से कोई ताल्लुक है। फिलहाल चिंता की बात तो ये है कि कोई बच्चा स्कूल से कैसे गायब हो सकता है, इससे स्कूल की सेफ्टी पे सवाल उठेगा। वैसे हम दोनों भाई इस घटना को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। वो जल्द ही मिल जाए। वैसे भी एक मिसिंग के केस से दिमाग खराब है, ऊपर से एक राक्षस का केस। हाँ मम। बिट्टू, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या कल तुम मुझे लेने आ सकते हो? क्या कहा? पर आप जा कर रही हो। क्या? मैंने बताया था ना कि मैं तुमसे मिलने आने वाली हूँ। अरे इतनी जरूरी बात भूल गए? तुम्हें आराम की जरूरत है। एक दिन अपनी माँ का नाम भी भूल जाना। हाँ ना मम, क्या बात कर रही हो, कभी एक आध बार जोक भी सुना दिया करो। मैं निकल रही हूँ, शाम तक पहुँच जाऊंगी। अगर तुम फ्री नहीं हो तो मैं खुद ही घर आ जाऊंगी। ठीक है मॉम, मैं भूल गया था, सॉरी। और हाँ मॉम, मैंने कहा था ना जो मेरा नाम है उससे बुलाओ। फिर क्यों उल्टे सीधे नाम लेके बुलाते हो? ठीक है बिट्टू। ठीक है मॉम, अब मैं काम करने जा रहा हूँ। अच्छा। हमारा डिलीवरी सर्विस अच्छा है ना? क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? मैं काम कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप अभी तक सोए नहीं हो, ये ब्रेकफास्ट आपके लिए है। ओह, ओके। ये जो केस है ना, इसमें चाहे जितने नए क्लू मिल जाए हम पुराने वालों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ समझती हूँ, आपको तो पता ही होगा मैं ये दो बॉक्स क्यों लेके आई हूँ। नहीं मुझे नहीं पता। अच्छा एक और बात, हमारे जितने भी पुराने एविडेंस हैं उनमें हमें नए क्लूज भी मिल सकते हैं। बिल्कुल। अरे ये हमारे फर्स्ट केस का फोल्डर किधर गया? सर ये लीजिए लेटेस्ट फाइल। थैंक यू थैंक यू।
आप कितनी देर से सोए नहीं हैं? 28 घंटे। ओह, फिर आपको खाना चाहिए, उसके बाद नहाना चाहिए और 2 घंटे की नींद लेनी चाहिए। मैं आपके उठने तक इसे चेक कर लूंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके। क्या टेस्ट है? Hey. एक आइडिया है, मैं चाहती हूँ तुम उसका चारा बनो। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ठीक तो हो ना? अगर उन्होंने मुझे काट लिया तो क्या होगा? वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम्हें कैसे पता? मेरा अंदाजा है। हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर हमने कोशिश की तो शायद काम बन जाए। अगर काम नहीं हुआ तो? सुनो अमन, हमारी वेबसाइट कभी भी डाउन हो जाती है, क्या तुम चेक करोगे? फिर से डाउन हो गई? ठीक है, जाके ठीक कर दो। तुम्हारा पीसी बाद में चेक करूंगा। तो शिल्पा, जरा मुझे बताओ कि तुम्हारा पीसी हमेशा खराब क्यों हो जाता है? मेरा पीसी पुराना है ना। तो मेरे ख्याल से नया खरीद लेना चाहिए। मैं नहीं खरीद सकती हूँ, मैं अभी तक प्रमोट नहीं हुई ना। जरा सुनो, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, अगर उसके साथ फ्लर्ट करना है तो ऑफिस के बाहर क्यों नहीं करती? तुम्हें लगता है मुझे कुछ नहीं पता? तुम मेरी बात समझ रही हो ना, मैं क्या कहना चाहती हूँ? हाँ बिल्कुल समझ रही हूँ। उससे दोबारा कभी अपना पीसी मत संभलवाना। ठीक है, अगली बार मैं ये सब छुप कर करूंगी। सुनिए बॉस, वैसे आजकल आपके पीसी में भी बहुत वायरस आने लगा है। हाँ। क्या मैं अच्छी नहीं हूं? नहीं, मैं ज्यादा अच्छी हूं। सुजन, कितनी देर हो गई, कब से सो रहा हूं मैं? 2 दिन से। क्या कह रही हो? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? नहीं, मैं मजाक कर रही थी, सिर्फ 3 घंटा। ओके, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मजाक मत किया करो। मैं भी आपकी जूनियर हूँ, माफ कर दीजिए। अच्छा, वो पुराने केस की क्या खबर है? प्रोग्रेस में है, हम आज शाम जा रहे हैं। हम ऑफिस क्लू ढूंढने आए थे, जब हमने हॉस्पिटल से क्लू कलेक्ट किया था तब वो गायब हो गए थे। इसमें 2 इंटरेस्टिंग बात है। पहला, वो बाइट है जो नेहा के नर्स के गले पे था, दोनों केसेस में सेम ही बाइट थे, चेक किए तो 100% सेम दिखे। बाइट्स में डीएनए मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, ये केस बाकी केसेस से बहुत अलग है। एक बात तो पक्की है कि एक आम इंसान इस तरीके से मर्डर नहीं कर सकता। हाँ, और दूसरी बात यह है कि हम जब उसको हॉस्पिटल लेकर आए तो उसके ऑफिस का स्टाफ उसे देखने के लिए नहीं आया। एक्चुअली ये केस ही बहुत अजीब है, सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया होगा क्या हुआ। हो सकता है वो उससे मिलने आए हो, क्या पता उन्हें वो वहां पे मिली ना हो। लेकिन मेरे पास एक इम्पोर्टेंट बात है, मैंने CCTV के रिकॉर्ड्स चेक किए हैं, बिना नंबर प्लेट की एक बाइक को मैंने घूमते हुए देखा था। जिस वक्त हम हॉस्पिटल पहुंचे, उस वक्त मैंने उस बाइक को वहीं पर देखा था, वो जस्ट आई थी।
अच्छा, इसलिए तुम उस बाइक को यहाँ से बैठ के ऑब्जर्व कर रही हो? हाँ, क्योंकि अगर तुम बाइक के पास डायरेक्टली गई तो हो सकता है क्रिमिनल को ये पता लग जाए कि तुम उस पे नजर रख रहे हो। हाँ। अमेजिंग, तुम तो बहुत कुछ सीख गई हो। तैयार नहीं लग रहे हो। कैसे लगूंगा? मैं तो चाह रहा हूं ना, ये बहुत ही खतरनाक काम है। हम कब से इन ऑफिस वर्कर्स का पीछा कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। आपको एक बात नजर नहीं आ रही क्या? दो ऑफिस वर्कर्स स्कूल में बिना वजह के क्यों आएंगे, है ना सर? मुझे नहीं लगता कि ये अपने बच्चों को लेने के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है, ये सही बात है या नहीं? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन क्या करें? मुझे पता है, लेकिन हम सिर्फ उन पर नजर रख सकते हैं। चुप क्यों हो गए? मेरी इंस्टिंक्ट्स मुझसे कह रही हैं कि मैं तुम पे भरोसा करूं। ये लोग तो इस बच्चे का पीछा कर रहे हैं। ये शक की बात है, हमें दूरी रखनी चाहिए। हम वैसे ही उसके पीछे चल रहे हैं, क्यों ना हम उसे पकड़ के यहीं पर मार दें? मैं ध्यान रखना चाहती हूँ कि कहीं हमारा प्लान चौपट ना हो जाए। वो कर क्या रहा है?
जरा सुनो, क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? हाँ। ये खून की बोतल है, और तुम इसे स्कूल क्यों लेकर आते हो? ये जानकर क्या करना है, वापस करो। तुम बड़े ही बदतमीज हो। वापस करो। अब कोई बात नहीं, अगर बॉटल चाहिए तो प्रिंसिपल सर से मांगना, मैं बदतमीज बच्चों से बात नहीं करता। धोखेबाज कहीं का। देखो उसने किसी को मार दिया, चलो चले। कोई फायदा नहीं, वो छोटा है, उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शिल्पा मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मुझे खुद जाना होगा। तुम कौन हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। सर गोली की आवाज इधर से आई है, चलो। गोली देख के चलानी चाहिए, मुझे लग जाती तो। उस बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। देखो इसकी गर्दन पे बाइट मार्क है। फिर से एक मर्डर। ठीक तो हो ना? मुझे चोट लगी। शिल्पा रुको, बच्चे का पीछा क्यों कर रहे हो? सर ये बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया है। नहीं, तुम्हें ये बोलने का कोई हक नहीं। सुनो उस बच्चे से दूर रहना। यकीन मानो वो एक वैम्पायर है। तुम डरो मत बेटा, मैं पुलिस वाली हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, संभाल कर। तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए था। ओए! 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 ओए!
क्या अब मैं आगे बढ़ूं? आप कबीर की मां हो ना? जी हाँ। क्या आप उसकी दोस्त हैं? वो आपके साथ नहीं आया? जी नहीं, मैं उससे मिलने जा रही हूं। क्या आपको उससे कोई काम था? क्या आपको डर नहीं लगता? इन्वेस्टिगेशन टीम अंदर वेट कर रही है। जी। तो हमने जो अभी अभी अंदर देखा वो एक वैम्पायर था। जी हाँ, मैं नहीं चाहता कि आप इस पर भरोसा करें, लेकिन आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये दुनिया जिसमें हम जीते हैं, इसमें हम अकेले नहीं हैं। अगर हमने इन्हें देखा नहीं होता तो तुम पर विश्वास नहीं करते। हर केस जो मैं इन्वेस्टिगेट करता हूं उन सब में एक चीज कॉमन है, वैम्पायर होने की पॉसिबिलिटी। लेकिन अजीब तो यह है कि किसी भी क्राइम सीन पे अब तक कोई प्रॉपर प्रूफ ही नहीं मिला है। देखो, हॉस्पिटल वाली नर्स और जो लड़का हमें अभी मिला, उन दोनों की गर्दन पे एक बाइट मार्क था। देखो, इसकी गर्दन पे बाइट मार्क है। फिर से एक मर्डर। मैं कुछ एविडेंस कलेक्ट कर रही हूँ, उसमें भी ब्लड पैलेट्स हैं और सीसीटीवी रिकॉर्ड्स भी, और एक सस्पेक्ट तुम्हारे जैसा। मुझे कहने में अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे यकीन है तुम दोनों के पास कुछ तो ऐसा मिलेगा जिसकी वजह से मर्डरर तक मुझे पहुंचने में आसानी होगी। अब ये मत समझना कि मैं तुम लोगों पे शक नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी हो सकता है कि तुम दोनों इन सारे केसेस से कहीं ना कहीं जुड़े हो। जो निशान मैंने अब तक क्राइम सीन्स पर देखा है वो तुम्हारे वेपन से बहुत मिलता है, जिससे तुमने वैम्पायर को मारा था। ये निशान हर जगह है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही मर्डरर हो? जिन्हें भी मैं मारती हूँ वो गायब हो जाते हैं, तो आप उन्हें नहीं देख सकते। लेकिन जिन्हें भी आपने देखा है वो मेरे शिकार नहीं थे। तो तुम ये कह रही हो कि तुम सिर्फ वैम्पायर को मारती हो, इसीलिए तुम खूनी नहीं हो? मुझे लगता है कि मैं अकेला ही हूं जो तुम्हारी फीलिंग को समझ सकता है। ये सब कुछ यकीन करना मुश्किल है कि वैम्पायर हमारी दुनिया में है और शिल्पा एक सीरियल किलर नहीं है। आपको यकीन भी नहीं होगा कि दो पुलिस वाले शिल्पा के साथ मिल गए हैं। हाँ मिस्टर धनराज, एक एग्रीमेंट होगा मेरी और शिल्पा की इन्वेस्टिगेशन के बाद। हमने टीम बनाने की सोची है ताकि हम वैम्पायर्स को ढूंढ पाए। Thank you.
कबीर अपनी माँ के कातिल को ढूंढ रहा है। ढूंढने में हम उसकी मदद करेंगे और हर उस इंसान की भी जिसने वैम्पायर की वजह से किसी अपने को खोया है। कौन हो तुम? वो जो है खुशियों के दुश्मन उसे मिटानी है। कुछ लोगों का मानना है कि सबसे अनमोल चीज हमेशा किसी नॉर्मल चीज के पीछे छुपी रहती है। वो इंतजार करती है कि कोई आए और उसको ढूंढे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने उसे ढूंढ निकाला, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि भले ही वो एक वैम्पायर है, लेकिन मेरे लिए वो अनमोल है। मैं न जी तू कैसे मिली।